हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अपने नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज की शुरुआत हमारी पीहू कर रही है, ये जस्ट अभी सो के उठी है और आप लोग इसकी खुशी देख सकते हैं। ये कैसे उठी है, हाय कर दो बेटा और गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग टाटा करके उठी है भाई। हैप्पी धनतेरस गाइस, आज धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी पीहू की तरफ से भी और मेरी तरफ से आपके परिवार को सबको। और मेरी पीहू की खुशी आप लोग सुबह सुबह देखिए, आज इसीलिए मैंने पीहू के साथ शुरुआत की अपने नए दिन की। नाश्ता वास्ता बन गया है हम लोगों का। मेरी पीहू की नींद नहीं खत्म हुई है क्या? अरे वाह, मेरी बेटी उठ के ही सो के, अरे वाह अरे वाह। हाय कर दो तो बेटा, हाय हाय बोल दो, हाय हाय गाइस, हाय गाइस बोलो तो बेटा। तो आगे बने रहिए गाइस, धनतेरस के दिन क्या स्पेशल होता है नहीं होता है आप लोग देखते रहिए। आज आज सुबह का ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है पूड़ी और चने आलू का सब्जी। और इधर मेरी बेटी सुबह से ही पढ़ाई करने शुरू कर दी है, अपना पेन लेके कॉपी लेके। क्या पढ़ रहे हो बेटा? पीहू, इसके पापा ने कंबल दे दिया ताकि ये गिरे ना यहाँ से, क्योंकि ये ज़्यादा मस्ती करती है ना, इसलिए 1-2 पढ़ रही है वो। पढ़ लो हाँ, और नाश्ता भी कर लेना बेटा। इसका पेन पकड़ने का स्टाइल देखो, बड़े इंसान कैसा पेन पकड़ते, वैसे पेन पकड़ रखा है इसने। 1-2 लिखती है। क्या लिख रहे हो बेटा? 1-2 लिख रहे हो? इसका स्टाइल देखा है, ऐसे तो बड़े इंसान भी पेन नहीं पकड़ते, लिखने जैसा पूरा करती है, खाली लिखना नहीं जानती है ये, है ना बेटा? हाँ सीख जाएगी मेरी बेटी, सीख जाएगी जल्दी सीख जाएगी। आज दिन के 2 बज रहे हैं और मैं और पीहू रेडी हैं पूरी तरीके से। और मैंने मेरी पीहू का रेडी मतलब नहलाया नहीं है आज, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा सर्दी है, इसीलिए फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा, खांसी उसी हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको नहलाया नहीं, सिर्फ गर्म पानी से मुंह हाथ धो दिया। और आज इसको मैंने टीका भी नहीं लगाया, क्योंकि ये पाउडर से उस दिन खेल रही थी तो वो पाउडर वहीं पे छोड़ के आ गई है कार में, तो वहीं पे है, लाई नहीं। मैं लेके आऊँगी आज, देखती हूँ अगर इच्छा हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। और क्या बोलते हैं, आज है धनतेरस गाइस, तो आप लोगों ने क्या क्या मिठाई बना ली है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। मैंने तो सिर्फ अभी वो जो लॉन्ग लखा जो बनाया था कल, आप लोगों ने देखा मेरे वीडियो में, वही बनाया है। और आज सोच रही हूँ कि मैं रसगुल्ला बनाऊँ, वाइट वाला रसगुल्ला बनाऊँ या फिर गुलाब जामुन बनाऊँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मेरे पास में कल की चाशनी बची हुई है। तो मेरे पति देव आएंगे अभी ड्यूटी से, तो उन्हीं से पूछूंगी कि क्या बनाऊं आज, रसगुल्ला बनाऊं वाइट वाला या फिर चाशनी का गुलाब जामुन बनाऊं, जो भी बोलेंगे वही बना दूंगी उनके लिए। और थोड़ा सा और मैदा भी बचा हुआ है, तो अगर मन हुआ तो आज ही ठकुआ बनाऊंगी और नहीं मन हुआ तो कल बनाऊंगी, देखते हैं अब। और अगर आप लोगों ने धनतेरस पे क्या क्या खरीदा मुझे भी ज़रूर बताइएगा। मैं अगर बाहर जाऊंगी आज तो मैं भी कुछ खरीद के लाऊंगी, देखती हूँ अगर गई तो। धनतेरस पे वैसे सभी लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, पर आज ही के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है सब जगह, सब दुकानों में, क्योंकि आज ही के दिन सब लोग खरीदते हैं और शुभ भी माना जाता है खरीदना। इसीलिए मेरी पीहू की एक्टिंग आप लोग देख रहे होंगे, मेरे से ज़्यादा एक्टिंग करती है। है ना बेटा, आप मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हो ना। ये अपना क्लिप ले चुकी है और तेल लगा रही, लगा दो तो बेटा, तेल लगा दो अपने पैर में, मम्मा को तेल लगा दो। तो ये पीहू का भी तेल लगाने का स्टाइल आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं है ना, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इसको पीहू का तेल लगाने का स्टाइल। अरे ये मेरी बेटी का, आप लोग गुस्सा देखिए, इसका गुस्सा देखिए आप लोग, ये कैसे गुस्सा कर रही है। ये मुझे बाहर ले जाने बोल रही है, उधर रूही के घर जाने, इसको कहाँ जाना बेटा, उधर जाएगी, कैसे इशारा करती है ये जाने के लिए, कहाँ जाएगी बेटा, उधर किसके घर जाएगी, रूही दीदी के घर, दीदी के घर जाएगी, और नहीं आई है स्कूल से, हाँ आएगी तब ना। तो मैं अपनी प्यारी सी बेटी को लेके आ गई हूँ बाहर। पीहू किसका इंतजार कर रही है? रूही दीदी का। रूही दीदी नहीं आई है स्कूल से, आएगी अभी आएगी।
पापा को, पापा को अपना खाके अब पीहू अपने पापा को खिलाने चली। खिला दो बेटा। अरे वाह, अरे दे दे, अरे वाह, अरे वाह, अरे इधर देखो तो पीहू खिला दी पापा को। वाह मेरी पीहू तो कितनी अच्छी है। अरे वाह 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 मेरी बेटी वाह। अरे वाह, सब चुन चुन के खिला देती है, जितना भी गिरा ले सब चुन चुन के खिला देगी। चिड़िया है ये, क्यों पियो? अरे वाह, शर्म आ गया का? अरे वाह। तो गाइस हम लोग छत में हैं अभी। मैंने आज रसगुल्ला बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, मैंने नहीं बनाया। ऐसे ही रिक्की मेरा मन नहीं किया बनाने का, मैंने सोचा कल बनाऊंगी, देखती हूँ मन हुआ तो। और उधर पीहू अपने पापा के साथ में है और मौसम आप लोग देख रहे हैं कैसा है। मेरा मेथी तो उगाई नहीं सैन में, उसमें डेली पानी नहीं डाल पा रही हूँ इसीलिए। कल वैसे मैंने पानी डाला था पर दिख तो नहीं रहा है, पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा, देखते हैं। मेथी और पालक है और धनिया है, तीनों में से कुछ भी नहीं उगा है। धनिया तो बह भी गया, शायद अब तो मुश्किल ही लग रहा है कि अब उगेगा वो। और उधर मेरी प्यारी सी बेटी खेल रही है, दौड़ दौड़ के खेल रही थी, उसको गोदी में ले लिया उसके पापा ने, क्योंकि वो गिर जाने का डर लग रहा था। और उसने आज सैंडल वैंडल कुछ नहीं पहना है, वो आज गोदी में आई थी हम लोगों के। हम लोगों ने यहाँ पे चटाई बिछा रखी है बैठने के लिए, पर हम में से कोई भी नहीं बैठा, हम लोग सब ऐसी के ऐसी खड़े ही है। इधर पीहू को सबसे अच्छा लगता है दीवार में खड़ा होना, और हमेशा ये चलती है इसमें, सबको बोलती है कि मुझे इस पे खड़ा करो। इसको मैंने गर्म कपड़े कुछ ज़्यादा ही पहना दिए, इसीलिए वो ज़्यादा मोटी मोटी सी लग रही है, क्योंकि थोड़ा सर्दी, पता ही मैंने आपको बताया कि इसको सर्दी हो रखा है, तो थोड़ा सेफ्टी रखना ज़रूरी है। ये सब गाड़ियों को देखती है नीचे, और हम लोग अब कपड़े लेके नीचे जा रहे हैं और खाना वाना बनाएंगे, तो चलते हैं अब नीचे। जैसे ही सोचा नीचे जाने के लिए तो ये रूही आ गई है, बोल रही अब मेरे साथ में थोड़ा देर खेलो, इसीलिए फिर हमने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। उसके पापा जा रहे हैं और हम लोग अब यहीं रहेंगे छत में। पीहू ने उसका दिया ले लिया है रूही वाला, जो मैंने कल डेकोरेट किया था रात को, तो मैंने दिखाया नहीं था आपको। ये देखिए मैंने डेकोरेट कर दिया था इसका दिया, अच्छा लगा था रूही स्कूल में? हाँ। यही वाला दिया लेके गई थी आज रूही, स्कूल में कॉम्पिटिशन था, नॉर्मल डेकोरेशन किया था मैंने, उतना मतलब मोती वगैरह कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए। ए लड़की गिर जाएगी उधर। पीहू के पापा जा रहे हैं कार का पंचर बनवाने के लिए, और मेरी पीहू उनके पीछे, पीहू जा रही है उनके पीछे पीछे रोते रोते। चले जाइए, ये दोनों को पैक कर देंगे अब हम लोग डिक्की में। दिख भी नहीं रहा इतना गंदा है गाड़ी, पैक है वो, पैक हो गए हैं पैक। ये मेरी पीयू का रिएक्शन, ये भी जाएगी, तू भी जाएगी, जा। हाँ ये पाउडर ही आज, इसीलिए इसको मैंने काजल नहीं लगाया था, ये पाउडर के चक्कर में। पीयू लगेगा। इतनी धूल उड़ती है यहाँ पे कि गाड़ी के हालत देखिए आप लोग, कितना गंदा हो रखा है, लग रहा है कि कबाड़ हो गया। पूरा धूल 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 धूल, डेली यहाँ पे इतना ज्यादा धूल उड़ता है, कोई भी गाड़ी रात भर में पूरा बराबर, यहाँ जितना भी गाड़ी खड़ा है सब ऐसे ही लग रहा है। प्लान मैंने कैंसिल कर दिया था, तो आज मैं बना रही हूँ ठकुआ। मैंने आटा सान के रखा है इधर, ठकुए कुछ मैंने तल के निकाल लिए और कुछ ऐसे बना के भी रखे हैं, और मेरी पीहू को भी सोच रही थी सुला देती हूँ। रही मेरी पीहू, मैंने सोचा था इसको सुला देती हूँ, पर इसकी आप एक्टिंग देख सकते हैं, सोने का नाम नहीं ले रही है। पानी पी रही है ये।
सोएगी नहीं तू? मैं कब बनाऊंगी, मैंने आज खाना भी नहीं बनाया है। मेरी पीहू के चक्कर में सब बर्बाद कर देती है ये। अब ये ढक्कन भी लगाएगी इसका, देखिएगा इसको जितना भारी ये बोतल है उससे ज्यादा, पीहू से ज्यादा भारी तो बोतल है, उठाने सक नहीं रही है, पर उठाना जरूरी है इसको। ये देखिए देखिए पानी पी के मजा भी लेती हूँ, पानी नहीं है। तो ये पीहू को आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से अभी सोई है, अभी बज रहा है 8, तो मैं अभी 8 बजे खाना बनाना स्टार्ट करूंगी, तब कब कितना लेट होगा मुझे खुद भी नहीं पता है। और ये मेरे पतिदेव को मैंने कहा था पीहू को खिलाने के लिए, तो ये बाहर चले गए थे और ये अभी आ रहे हैं जब मेरी पीहू सो गई। तो चलिए बनाते हैं, अब अपना काम करते हैं। बज रहे हैं 9 गाइस, मुझे बनाते बनाते 9 बज चुका है और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और मैं आज, मेरे पतिदेव ने मुझे बोला है कि आज वो वेज बिरयानी खाएंगे, आज मैं उनके लिए वेज बिरयानी बना रही हूँ। कुछ है नहीं तो सोया डाल दूंगी इसमें, सोया भी थोड़ा सा, और उसी से बन जाएगा मेरा वेज बिरयानी। और बर्तन भी पड़े हुए अभी मेरे बर्तन धोने के, और यहाँ पे अभी पूरा कम्प्लीट छान रही हूँ मैं भी, बाकी है इतना बना के रखी हुई है इनको, बस बाकी है इतना सा और बनाना है, बस हो गया फिर मेरा काम। फिर बिरयानी बनाती हूँ उनके लिए जल्दी से और हो गया बस। गाइज आप लोगों को पता ही है त्यौहार में हर दिन कुछ ना कुछ बनाना होता है तो लेट हो जाता है, तो वैसे ही आज मुझे कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है। 10:15 बज रहे और अभी भी मेरा थोड़ा सा मतलब बन गया है खाना, पर ठंडा हुआ तब ना हम लोग खाएंगे, तो उतना में तो मेरे पतिदेव सो ही गए हैं और पीहू भी सो रखी है, मैं अकेले जगी हुई हूँ और बैठी हुई हूँ। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।